एवरीवन, आई एम कोमल तिवारी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वक्त हम आए हैं अपनी बुआ और भैया भाभी के घर पे। तो आज हम आप लोगों को अपनी बुआ से मिलाएंगे और अपनी प्यारी भाभी से मिलाएंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं मेरी भाभी से मिलने के लिए? तो हम अभी आपको अपनी भाभी से मिलवाएंगे। हाय गाइस, ये मेरी भाभी हैं। भाई आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि है ही इतनी प्यारी, इनसे जुड़ने के बाद सब लोग अच्छे हो जाते हैं। तो प्लीज, मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे भी सपोर्ट करें। बच्ची मेरा लिंक दे देंगी डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज आप लोग मुझे भी सपोर्ट करिए, मैं भी स्टैंड करूँ, मैं यही चाहती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा शादी के बाद, मैं सेकंड टाइम मैं इनसे मिल रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा और बहुत मजा भी आया। और इन्होंने मुझे टिप्स भी बहुत सारी दी है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हाँ, और भाभी का पता है, हम ना इनसे दूसरी बार मिल रहे हैं, पहली बार इनसे शादी में मिले थे, दूसरा अब हम मिल रहे हैं 3 साल बाद ना भाभी। और इनसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा, हमें खुद अच्छा लगा। और भाभी का भी चैनल है जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग प्लीज जाइए, सब्सक्राइब करिए और इन्हें भी सपोर्ट करिए ताकि ये भी ग्रो करे। कहते नहीं है सबका साथ सबका विकास। हम अब आपको अपनी बुआ से मिलाते हैं। बुआ आइए, आपको अपनी बड़ी बुआ से मिलाते हैं। आइए बुआ। तो ये हमारी बड़ी बुआ है और हम बड़ी बुआ के घर पे आए हैं आज, और हमें बहुत अच्छा लगा इन सब से मिलके, बहुत टाइम बाद हम आए हैं। बुआ आप कुछ बोलिए। मम्मी की तरफ से ब्याई बोल देती हूँ, फिर भी मैं मम्मी की तरफ से बोल देती हूँ, मम्मी बोलती नहीं है ज्यादा, मम्मी की तरफ से यही मम्मी भी यही कहेंगी, बच्ची को सपोर्ट करिए, इसका वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ना मम्मी। हाँ, और भाभी का भी चैनल है, इनके भी चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज हम आपको पूरा दिखाएंगे कि हमें बुआ के घर पे कैसा लगा। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, और यहाँ पे हम 2 साल बाद आए हैं, तीन साल बाद आए हैं। लास्ट टाइम जब भाभी की शादी थी तब आए थे, और आज दूसरी बार मिल रहे हैं भाभी से, पर अच्छा लगा। लेकिन लग नहीं रहा है, लग नहीं रहा ना भाभी, लग नहीं रहा है। पहली बार तो मैं दुल्हन बनी थी, पहली बार भाभी दुल्हन बनी थी, तब मैं बोल भी दे रही थी, तब मैं मुंडी हिल रही थी खाली, भाभी ऐसे कर रही थी। हाँ नहीं, बस यही था। अब दूसरी बार मिले तो सब कुछ मैं फटाफट बोल रही हूँ, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं फर्स्ट टाइम, वैसे देखा जाए तो फर्स्ट टाइम ही मिल रही हूँ। हाँ, शादी में कौन, शादी में के लिए मिले थे, बस यही पता था कि मामा की बेटी है, किसी ने बताया मामा की बेटी है, मेरी ननद है, बस इतना ही, बस इतना ही था। और भाभी मेरी ना मैगी बनाई थी, इतना टेस्टी था ना कि हम क्या बताएं, बहुत टेस्टी था। मेरे भी ब्लॉग में देखने को मिलेगा आप लोगों को। हाँ, भाभी कैसी मैगी बनाई है वो भाभी के ब्लॉग में देखने को मिलेगा, तो सब्सक्राइब करिएगा जरूर। पर मेरे भैया और भाभी मेरे लिए ये समोसे लाए हैं, और ये समोसे के बाप हैं। और ये मेरी भाभी, मेरी प्यारी सी भाभी चटनी निकाल रही है समोसे की, और भाभी हमें ये सब दी हैं, ये दी हैं भाभी, और ये ये है ना परफ्यूम भाभी, पॉकेट परफ्यूम। हाँ, ये पॉकेट परफ्यूम है, इसमें 2 हैं, और भाभी ये बैग दी हैं, मास्क दी हैं, थैंक यू भाभी। तो अभी हम अपने गांव आए हैं, और जय श्री राम, जय श्री राम से आप लोग समझ गए होंगे कि मेरा गांव कहाँ पर है। तो मेरा गांव जो है वो अयोध्या साइड में है, मतलब अयोध्या है, तो हम लोग फैजाबाद से बिलोंग करते हैं, अयोध्या साइड से। तो अब हम आप लोगों को अपने दादा दादी से मिलवाते हैं। ये हमारी दादी हैं। नमस्ते अम्मा। और ये बाबा हैं। ये भाई साहब यहाँ पे ऐसे आए हैं जैसे इनको हम पता नहीं क्या ही दे रहे हैं। बहनी है ये, क्या है, बहनी बहनी है। ओह माय गॉड, तुम बहन जी हो। ओह हेलो बहन जी, ये हमारी दादी है, दादी जान। नहीं दादी नहीं हो, नाई का क्या मतलब है, दादी नहीं हो, क्यों दादी जान है हमारी, दादी जान, इनको हम अम्मा बोलते हैं, दादी नहीं बोलते, क्यों अम्मा, इनको मतलब देखो अपना क्या कहते हैं, टोपी स्कार्फ लगाई है और स्वेटर नहीं पहनी, ये कौन सा ठंड है।
ये क्या है, मतलब स्वेटर नहीं पहनी है, कंबल ओढ़ी है और ये स्कार्फ लगाई है। वाह, दादी का फैशन अलग है। और मेरे बाबा वहां पर सो रहे हैं, लेटे हैं, आराम कर रहे हैं। हम यहाँ पे वीडियो बना रहे। दादी, अम्मा, तुमको मिलके कैसा, तुमको हमसे मिलके कैसा लगा? कैसा बहुत अच्छा लग रहा है, लगा? बहुत बहुत अच्छा। इतना अच्छा लगा कि खुशी के मारे बोल नहीं पा रहे हैं। अरे भगवान। हम सोचे थे कि हम गांव आएंगे और अपनी अम्मा को सरप्राइज देंगे कि हम अचानक से आ गए हैं, पर मेरी मम्मी पहले ही बता दी कि हम आ रहे हैं, मतलब भांडा फूट गया। तो फिर हम लोग ना अयोध्या वासी हैं, अयोध्या साइड से हम लोग बिलोंग करते हैं। आज हम अपने गांव में 2 साल बाद आए हैं। लास्ट टाइम हम 2020 में आए थे और अब 2022 है, 2 साल बाद। तो अब हम आप लोगों को अपने गांव की लड़कियों से मिलाने वाले हैं, और सबसे पहले हम आपको मुस्कान से मिलाएंगे, उसके बाद हम बिट्टू से मिलाएंगे। और ये दोनों बड़ी हो गई है ना, हम 2 साल बाद गांव आए हैं। पीछे मेरा घर है, अभी हम दिखाएंगे अच्छे से। ये रही मुस्कान। हेलो। और ये 2 साल में अच्छी खासी बड़ी हो गई है, इसकी हाइट बढ़ गई है। ये ना, जब छोटी थी हम इसे अपनी गोद में खिलाए हैं, सोचिए इतना ज़्यादा हम लोगों का लगाव है, और ये बहुत अच्छी है। अब हम आपको बिट्टू से मिलाने वाले हैं। ये हैं हमारी बिट्टू, और इनको जो हम देखे थे ना, हमें लगा कि ये बिट्टू नहीं, मुस्कान है। सोचिए इतना चेंज हो जाता है। तो मुस्कान, आज हमें मुस्कान पूरा गांव का टूर कराएंगी। क्यों मुस्कान? ये मेरी छोटी बहन है। हाँ, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात ये है, मुस्कान बताओ यहाँ पे क्या चल रहा है गांव में? अपने शादी चल रही है। हमारे गांव में शादी चल रही है इस वक्त। हम और किसकी शादी है? हम दोनों, सोनी तुमसे बड़ी है? हाँ। सोनी हमसे छोटी है और मुस्कान से बड़ी है। मेरी मतलब छोटी बहन है मेरी, और बड़ी मुस्कान बहन। की बड़ी बहन है। और तुम्हारी? इसकी बड़ी बहन है। सबसे बड़ी बहन हम है, हमें मत भूलो। सबसे बड़ी बहन हम है। मेरे बाद सोनी है, हमसे छोटी है, आई थिंक 2 या 3 साल की छोटी है। फिर मुस्कान है, फिर बिट्टू है, ये सब मेरी कज़न सिस्टर हैं। तो हम आपको अपने ये पूरे गांव का व्लॉग कराएंगे, पूरा टूर कराएंगे, देखते हैं। अब हम आप लोगों को अपना खेत दिखाएंगे, और ये रहा मेरा खेत। ये पूरा मेरा खेत है, वहाँ तक सब सब मेरा खेत है, जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही है सब मेरा है। और यहाँ पे यार देखो, इधर कहाँ तक है, वहाँ तक है ना पूरा, जहाँ तक नज़र जा रही है। मतलब मेरी बिल्ली मुझे को म्याऊं। हाँ, वहाँ तक तो मेरा खेत है, जो वो जो ईटा दिख रहा है ना, छोटा सा घर, उसके वो मेरी टिब्बल है। टिब्बुल टिब्बुल जो है, मेरी फोटो आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है। हाँ देखो, जो वो टिब्बुल है ना, वहाँ तक उसके थोड़ा और पहले मेरा खेत है। मेरा खेत है यहाँ तक, अरे मतलब यहाँ तक। तो ये मेरा खेत है। अब हम आपको पूरे अपने गांव का टूर कराएंगे, और बहुत मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में। मूली है, मूली है। मेरी बहन हमें गाइड कर रही है, मूली है। ये सब ना मूली है, मूली का पूरा पेड़ यहाँ पे लगा है, और कुछ नहीं लगा। वीडियो है, आलू है पीछे, आलू भी लगा है उधर, आलू लगा है। हाँ, मतलब मेरा खेत हमें नहीं पता है, बताओ। ये हाल है, जब ना आओ तो यही रहता है। पीछे आलू है, ये मूली लगा है, और आओ तुम भी आओ, तुमको पता है ना, वो वीडियो शूट कर रही है, तुमको पकड़ते हैं। तो ये मूली है, उधर आलू लगा है, हम आपको पूरा दिखाएंगे और अपने पूरे गांव का टूर कराएंगे। इसकी हंसी का ठिकाना नहीं। तो मेरा वो हम टिब्बुल, आप लोगों को टिब्बुल है ना, दिखाओ। वो टिब्बुल हम बताए थे, मेरा नहीं है वो, तो देखो ये मेड़ है ना, ये वाली मेड़, ये मेड़ से लेकर के पूरा वहां तक मेरा खेत है, वहां तक जहां पर हम खड़े थे, जहां पे मूली का पेड़ है, हरा हरा दिख रहा है पूरा, ये मेरा खेत है। और ये वाला किसका था? विशाल का। ये विशाल का है, मतलब सोनी का, जिसकी शादी में हम लोग आए हैं। तो हम लोग सोनी की शादी में आए हैं। हम बताते हैं सोनी कौन है, मतलब बता तो दिए, ये बहन है, पर कैसी है बताते। मेरे जो बाबा हैं, मतलब दादाजी हैं मेरे, उनके सगे भाई की पोती है ना, मेरे सगे दादाजी के भाई की पोती है, तो मेरी बहन ही लगी। तो हम लोग उसकी शादी में आए हैं, हमसे छोटी है, पर गांव में थोड़ी जल्दी शादी हो जाती है, इस वजह से उसकी शादी है। हम लोग आए हैं शादी में, आपको शादी का भी व्लॉग दिखाएंगे, जो कि अगले वीडियो में रहेगा, तो आप लोग पूरा देखिएगा। और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा, और लाइक भी करिएगा। ये मेरा खेत है, और यहाँ पे चरी बोई गई है,
मजे नहीं। तुम अच्छा खड़ी रहो, हम बोल देते हैं। और सबसे जरूरी है कि हम लोग बहुत ही जल्द गन्ने चोरी करने वाले हैं। गन्ना चोरी करेंगे, और गन्ना चोरी करना ना चोरी बिल्कुल भी नहीं कहलाती है, क्योंकि बोया ही इसीलिए जाता है कि हम जैसे लोग आके चोरी करके खाएं। वो तो अच्छी बात होती है गन्ना, वो तो अच्छी बात है गन्ना चोरी करना, शुभ माना जाता है पता नहीं किस एंगल से। तो हाँ, हम गन्ना चोरी करेंगे, लेकिन चोरी करने के लिए तोड़ना आना चाहिए। तोड़ने के मामले में हम अंगूठा छाप हैं, हम ट्राई किए थे तोड़ना, लेकिन हमसे नहीं टूटता है। तो मेरी एक दोस्त है राधा, राधा हमेशा तोड़ती थी, अभी हम राधा को पकड़ के लाएंगे, उससे गन्ना चोरी तोड़वाएंगे, क्योंकि तोड़ नहीं पाते, पता नहीं क्यों घुमाते हैं, टूटता नहीं है और गन्ना खराब हो जाता है, है ना। मुस्कान को अच्छे से पता है कि हम नहीं तोड़ पाते, हमें भी नहीं तोड़ना आता, इसे भी तोड़ना नहीं आता है। तो हम राधा को पकड़ेंगे, राधा से भी मिलाएंगे, और बहुत सारी लड़कियां हैं मेरी, बहुत सारी यहाँ पे दोस्त हैं, हम आपको मिलाएंगे। तो यहाँ पर ना बिट्टू जो है गन्ना तोड़ेगी, हमें एक फाइनली पहलवान मिल गई है तोड़ने के लिए। चलो हो गया, आओ। तो हमें ना बिट्टू गन्ना तोड़ के बताएगी, मेरे लिए गन्ना ये चोरी करने जा रही है, तोड़ने जा रही है। चलो बिट्टू बताओ। वो वाला नहीं, वो वाला हम भी ट्राई करते हैं सामने। हाँ हाँ वही वाला। दीदी आपके हाथ टूट गया गन्ना, वो आधा हो गया। जीत गए हम, गन्ना चोरी हो गया। एक सेकंड में गन्ना दिखाओ, ये कुछ ज्यादा ही पतला नहीं है। अरे उसको पूरा तोड़ना था, आधा नहीं तोड़ दियो, आधा तोड़ दिए। ये गन्ना है तो ये क्या है? ये उसकी पत्ती है। तभी तो सोचे कि हम कैसे गन्ना इतने आसानी से तोड़ लिए यार, ये इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये इसको खाओगी ना ये तीखा लगे, मतलब ये पत्ता है, गन्ना नहीं है, तभी हम सोचे टूट गया। ये रखो मेरा गन्ना, इसका गन्ना है नहीं, पत्ता है, नमकीन लगेगा ये खाओगी। ये काम ना सिर्फ राधा कर सकती है। राधा देखो ऐसा है, जल्दी जल्दी गन्ना चोरी करो, वरना यहाँ के मालिक आएंगे ना तो हम लोगों को ठोकेंगे भी। गन्ना चोरी का मिशन सफल रहा। इसको खिंचवाना पड़ता है ना, दो गन्ना अभी नहीं, अभी नहीं हुआ, गन्ना खराब हो गया। हाँ ये आधा है, चलो आधा ही खा लेंगे। तो गन्ना चोरी हो चुका है, ये गन्ना क्या हुआ? गन्ना नहीं है तुम्हारा, वो पत्ता है। तो हम लोग जा रहे गन्ना खाने, चोरी किया हुआ, चोरी करके खाने में अलग ही मजा है, वो भी गन्ना। तो बिट्टू तुम यहाँ पे जीत गई, मुस्कान ट्राई की थी पर मुस्कान से नहीं टूटा, बिट्टू से टूट गया, क्योंकि ये बचपन से ही दबंग है। बहुत तेज लड़की है ये, धाकड़ है पूरी। आ जाओ तुम भी आ जाओ, हम लोग जा रहे हैं गन्ना चोरी किया हुआ जो उसने, ये तो कर ही लेते हैं यार, इसमें बड़ी बात नहीं है, मिलते हैं आपको खत्म करने के बाद। टाटा।